आपको थोड़ा जेंटल जेंटल मसाज देना है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ मित्र होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हैंड एक्सप्रेशन के 3 स्टेप है। आज के वीडियो में फर्स्ट स्टेप बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्टेप बताऊंगी और थर्ड वीडियो में थर्ड स्टेप बताऊंगी, क्योंकि है ना वीडियो जो है 20 मिनट्स का हो जाता है। इस वजह से आप देखना कि आपको पसंद नहीं आता इतने लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखना, इसलिए मैंने ना 3 स्टेप 3 वीडियोस में दिखाऊंगी। आज के वीडियो में 1 स्टेप दिखाऊंगी जिसमें 3-4 तरीके है वो चीज़ें करने के, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको है ना जो आपके नाखून जो है वो कटे होने चाहिए, हाथ अच्छे से सैनिटाइज होना चाहिए, अच्छे से साबुन से धुआ होना चाहिए और जो ब्रश है वो भी क्लीन होना चाहिए, उस पर दवा वगैरह जो तेल वगैरह रहता है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आप ना अच्छे से मसाज कर सको, जो फर्स्ट स्टेप है वो कंटिन्यू कर सको, वैसा होना चाहिए। स्टेप में आता है कि अपने ब्रश को गर्म से सेक देना, इसको है ना हॉट फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि है ना इससे ब्रश मिल्क जो है रिलीज होता है और है ना हैंड एक्सप्रेशन करते समय आपके ब्रश और हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए, तो ये फर्स्ट स्टेप जरूर करें। पहला तरीका है कि आप सिंक के पास जाओ और अपने ब्रश को ओपन रखो, मतलब कि ऊपर का जो चीज़ें हैं वो निकाल के ब्रश के ऊपर अच्छे से गर्म पानी ऐसे डालो, तो फिर इससे ना जो ब्रश है हॉट मतलब हो जाएगा, फर्मेंटेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में 2 तरीके बताऊंगी वो फॉलो करना है, अभी मैं हॉट फर्मेंटेशन के बारे में बताऊंगी। क्या पहला तरीका जिसमें आप सिंक के पास जा रहे हो और गर्म पानी अपने ब्रश के ऊपर डाल रहे हो, दूसरे तरीके में आपको ये चीज़ ना अलग लग रही है क्योंकि ना पूरा निकालना पड़ रहा है और पूरा गीला हो जा रहा है, तो उसके लिए दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से कपड़ा लेना है, ये देखिए दिख रहा है ना कपड़ा, ये लेना है और उसको 4 फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद गर्म पानी लेना जितना आप बर्दाश्त कर सको, उस गर्म गैस पे गर्म पानी रखें और उंगली डिप करके देखें कि ना आप बर्दाश्त कर रहे हो सकते हो कि नहीं, फिर उसके बाद उतारना है और उसमें पानी में ये कपड़ा डिप करना है। डिप होने के बाद ये पूरा गीला हो जाएगा और फिर इसे निचोड़ लेना है कुछ इस तरह से, पूरा निचोड़ के यह जो कपड़ा है वो गीला हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको इस तरह से रखना है, सेक देना है अपने ब्रश को पूरी तरह से। थर्ड स्टेप, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या करना है, जो पानी है ना वो आपने गर्म कर लिया, फिर उसके बाद ये जो हाथ है ना उसके अंदर डालना है जितना आप वार्म फील कर सको, उसके बाद इस तरह से आपको थोड़ा जेंटल जेंटल मसाज देना है ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से मसाज देने के बाद फिर से डिप करना है और अपने हाथ से इस तरह से नीचे हर सर्कुलर मोशन में वार्म करना है अपने ब्रश। फोर्थ चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि आप गर्म पानी का हॉट बैग आता है ना उसका ना गर्म पानी डालें और उसके बाद सेक दें। ये चार पांच जो तरीके मैं बता रही हूँ ना, इसमें से 1 तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो और फिर उसके बाद मैं जो नेक्स्ट 2 वीडियो में बताऊँगी वो यूज़ करना है, इसमें से कोई भी 1 तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इलेक्ट्रिक वाला जो आता है ना हॉट करने के लिए गर्म थैली, वो इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा एक और चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो 5वां तरीका है कि आप कोई भी एक अच्छा सॉक्स ले ले, ये एक इंटरनेशनल तरीका है और पर है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर इसको खोले और इसके अंदर ये देखिए मैं चावल ले रही हूँ, थोड़ा सा चावल ले रही हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आप 1/2 किलो चावल लीजिए और इसके अंदर इस तरह से पोर कीजिए, देखा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, अभी मैंने थोड़ा लिया है, मैं नॉर्मली 1/2 किलो यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद आपको इसको इस तरह से गांठ मारनी है। मैंने छोटा सॉक्स लिया है, आप बड़ा ले सकते हैं क्योंकि आप 1/2 किलो ले रहे हो। फिर उसके बाद आपका क्या करना है, माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव में कैसे करना है, माइक्रोवेव में रख देना है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, माइक्रोवेव में इसे रख देना है और जो माइक्रोवेव ऑन करने के बाद ऑलमोस्ट आपको
30 to 35 सेकेंड्स रखना है, जिससे ये अच्छी तरीके से चावल जो है गर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसे लेना है और इस तरह से सेक करना है, दोनों ब्रेस्ट पे करना है, एक ब्रेस्ट पे नहीं दोनों ब्रेस्ट पे करना है। इस तरह से आपको जितना सहन हो सके उतना करना है अच्छी तरीके से। यही 5 स्टेप आपको करने हैं हैंड एक्सप्रेशन के लिए। आपको ये सारे 5 स्टेप में से 1 स्टेप कर लेना जो आपको कन्वीनियंट है वो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगे हैंड मसाज किस तरह से करते हैं, और उसके थर्ड वीडियो में हैंड एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बड़ा वीडियो जो है लॉन्ग होते जा रहा है, आपको बोर हो जाता है। इस वजह से मैं 3 स्टेप में बताऊंगी, तीनों स्टेप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से मिल्क फ्लो बढ़ाना है, अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखना है, तो आगे वाले दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा तो धन्यवाद। चलिए बाय।